कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तालियों के साथ तारीफ करते हुए यस, कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद, धन्यवाद 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 सब क्या है। हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितना धन्यवाद दूँ तेरे प्रेम के लिए, तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। आइए अपने हाथ को उठा के बोले हाँ धन्यवाद बचाया बहनी एक जाल से मुझे छुड़ाया, हाँ तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना।
मुझ पर रखेगा, अपने हाथों से अगवाई करेगा, अपने हाथों से अगवाई करेगा, अपने हाथों से yes. अगवाई करेगा, अपने पंखों तले मुझे छुपा रखेगा, अपने हाथों से अगवाई करेगा, कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ, धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ धन्यवाद।
परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम आप सभी खुदावन के बेटे बेटियों का वेलकम करते हैं क्लीसिया। हमारा विश्वास है कि आज की ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़ा रिवाइवल लेकर आएगी, क्योंकि खुदावन ने पहले से ही आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। जितने भी वादे खुदावन के, जितनी भी प्रतिज्ञाएं, वो सभी हाँ में है क्लीसिया, और उसका एक एक वादा सच्चा है। उसने कहा है आप लोगों से कि आप कभी भी लज्जित ना होंगे। जितने लोग यहोवा का मुख ताकते वो हमेशा ऊंचे किए जाते क्लीसिया, और आज की ये प्रार्थना आपको आत्मा में बलवंत बना देगी, आपको आत्मा में स्थिर बनाएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपकी लाइफ से हर प्रकार की शर्मिंदगी, निराशा आउट हो जाएगी क्लीसिया। आज परमेश्वर का आत्मा पहले से भी ज्यादा आपको आत्मिक आनंद से भर देगा क्लीसिया। तो आइए सभी जन हम अपने मन को लगाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जो उसने आपको बनाया, रचा, चुना। सभी जन आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को उठाइए और लगातार अपनी जुबान से धन्यवाद कीजिए। कहिए पाक यहोवा से कि पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने वाला मैं ना हूं, खुदावत आपका रूही पाक पिता मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, इस प्रार्थना में मेरी अगुवाही करे। पिता पैसा कर चुके हो, परमेश्वर आपका रूही पाक
मेरी मदद कर चुका है। पिता हम नहीं जानते किस रीति प्रार्थना करनी है। खुदावंद आपका आत्मा हमें अंदर से उभार कर, हमारे मन को तेज कर कर, हमारे विश्वास को तेज कर कर, हमारे द्वारा आपकी बड़ी महिमा कर चुका है। पिता अगर हम बुद्धि से आपके साथ चलना चाहे तो कभी नहीं चल सकते, लेकिन खुदावंद आपका आत्मा जो निर्बलताओं में हमारा बल बन जाता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाही करता है। खुदावंद आपकी अगुवाही के द्वारा हम आपसे बातें कर चुके हैं, हम आपसे बातें कर चुके हैं। खुदावंद हम घंटों आपके साथ बातें करने वाले बन चुके पिता, कभी ना हम अके ना थके पिता। आपका आत्मा 24 घंटे हमारे जीवन के, हमारी सोचों के, हमारे परिवारों की अगुवाही करे पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। सभी जन 5 बार 10 बार अंगीकार कीजिए, इस वचन की घोषणा कीजिए, क्योंकि पिता ने कहा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपना मददगार भेजूंगा, और वो मददगार आ चुका है कलीसिया, वो सहायक तुम्हारे अंदर है। कहीं उस मददगार से, कहीं पवित्र आत्मा से आप मेरे अंदर कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप प्रार्थना में मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मुझे बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का बल ऑनलाइन कलीसिया, यहाँ पर बैठने वाले लोग, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के दास अपने घर में आप लोगों के लिए घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, और खुदा के दास घुटने टेक कर बैठे मतलब आपके जीवनों में बड़ी उन्नति का आना, आपके जीवनों में बड़ी ब्लेसिंग का आना, आपके जीवनों में सामर्थ का भर जाना कलीसिया। और ये 7 वीक विजन आपके जीवनों को रिवाइवल के साथ ब्लेस करेंगे, बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेंगे। सभी जन एक एक वादे को याद कीजिए, एक एक प्रतिज्ञा को याद कीजिए। खुदावंद ने आपसे कहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपद धारी हो, तुम जाजकों की शाही मंडली हो, और परमेश्वर का आत्मा 24 घंटे तुम्हारे अंदर कार्य करता है, तुम्हारे अंदर कार्य करता है, तुम्हारे अंदर कार्य करता है। कलीसिया खुदावंद ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। उस परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है कलीसिया, वो हर समय तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम हालात में थे, जब तुम रो रहे थे, जब कोई भी तुम्हारे पास नहीं था, उस समय परमेश्वर ने तुम्हारी शुद्धि ली, तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखा, तुम्हारे आंसुओं को पूंजा, तुम्हें बलवंत किया, तुम्हारे जीवनों को आशीष से भर दिया। कलीसिया याद कीजिए उस टाइम को और धन्यवाद कीजिए, आज भी वही परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। महसूस कीजिए उस परमेश्वर को और धन्यवाद कीजिए। कहिए पिता से, पिता आपने मुझे नरक की आग से निकाला है, पिता आपने मुझे घोर अंधकार से निकाला है। पिता यस पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके वादों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता पिता मुझे बहेलिए के जाल से बचा कर रखते हो, पिता आप मुझे रोग बीमारी से बचा कर रखते हो, पिता आप मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखते हो। पिता मैं आपके आँख की पुतली हूँ, पिता यस पिता मैं आपकी दृष्टि में प्रीशियस हूँ, कीमती हूँ। आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, मुझे मोल ले लिया है। पिता अब मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आप ही का अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। पिता आपका अधिकार है, मेरी सोचों के ऊपर आपका अधिकार है। पिता यस पिता परमेश्वर, मेरा उठना बैठना, मेरी मन की हर सोच पिता आपके सन्मुख ग्रहण योग बन चुका है। पिता आप ऐसा कर चुके पिता,
आपके वचन में लिखा है, आपने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। खुदावन मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका। पवित्रताई मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है, बड़ा हिस्सा बन चुकी है, बड़ा हिस्सा बन चुकी है, बड़ा हिस्सा बन चुकी है। यस पिता परमेश्वर, यदि आप मेरे अंदर हो तो बीमारी ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस जगह पर आपका आत्मा होता वहां आजादी होती है। आजादी के लिए मसीह ने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं आजाद हूं। हर रोग से, हर जकड़न से, हर बीमारी से, हर कर्ज से मैं आजाद हूं। कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, प्रभु ने मुझे दूसरों को उदारता से देने वाला बनाया, दूसरों से लेने वाला नहीं। पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी बरकते मेरे जीवन में बढ़ चुके पिता। यस पिता, आपने कहा है यदि तू मेरी रज और सच्चाई की खोज करेगा तो जिन वस्तु की तू भाल में रहता है वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। पिता मैं आपका बड़ा खोजी बन चुका, पिता मैं आपका बड़ा प्रेमी बन चुका, पिता मैं आपके आनंद से भर चुका, पिता मैं आपके प्रेम से भर चुका, पिता मैं आपके साथ एक मन हो चुका। जैसे दाऊद आपके साथ एक मन रहता था पिता, चाहे उसके सामने हालात भी होते थे फिर भी आनंद से भरा रहता था पिता, फिर भी आपका धन्यवाद करता था पिता। वो हालात को देखकर कभी नहीं चलता था पिता, वो आपको देखकर चलता था पिता। जब उसके सामने 6 फुट ऊंचा गोलियत था पिता, लेकिन खुदावंद उस हालात को देखकर एक बार भी उसके मन में डाउट नहीं आया पिता, क्योंकि वो जानता था कि आप उसके साथ हो पिता। आज आप मेरे भी साथ हो पिता, मैं जानती हूँ पिता मेरे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हो, आपका हाथ मेरे सर के ऊपर है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं तेरी सामर्थ से भर चुका, मैं तेरी पावर से भर चुका, मैं तेरी सामर्थ से भर चुका। यीशु नाम की सामर्थ मेरी हड्डियों में काम करी है, यीशु नाम की सामर्थ मेरे रोम रोम में काम करी है। सभी जन अपने मुख से बोलिए, कहिए पिता से, पिता आपकी सामर्थ मेरे रोम रोम में काम करी है। यीशु नाम लेकर कहिए, यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में आजादी है, यीशु नाम में शिफा है। यीशु का नाम लेकर बोलिए, यीशु नाम से पिता की पावर मेरे अंदर काम करी है, यीशु नाम से मेरी बुद्धि खुल चुकी है, यीशु नाम से जिनकी नसों में प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, कहिए आज, आज आप देखना आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में फील करोगे। क्लीसिया कहिए यीशु नाम की पावर, जिस भी बॉडी के पार्ट में रहोगे कहिए यीशु नाम की पावर मेरे इस हिस्से में काम करिए, यीशु नाम की पावर मेरे ब्रेन में काम करिए, यीशु नाम की पावर मेरी सोचों में काम करिए, यीशु नाम की पावर मेरे रोम रोम में काम करिए। यस परमेश्वर आपने अपनी सामर्थ से मुझे भर दिया पिता, अपनी ताकत से भर दिया पिता, मैं नॉर्मल हूं ही नहीं पिता, मैं तेरी सामर्थ से भर चुका पिता। तेरा आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा, तेरा आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा, मेरे मन की आंखों को खोल चुका है, मेरे मन की आंखों को खोल चुका है, मेरे मन की आंखों को खोल चुका है पिता। जैसे आपने केजी के मन की आंखों को खोला जब अलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की पिता, आज हम आपके सामने आते पिता। यस पिता आप इन लोगों के मन की आंखें खोल चुके हो पिता। यस पिता ये आपको देख पाए, आपको फील कर पाए, आपके दर्शन देख पाए, आपके साथ रिश्ता बना पाए। यस पिता यशु नाम से हम प्रार्थना करते इन लोगों के लिए, इनके मन की आंखें खुल चुके हैं यशु नाम से, इनके मन की आंखें खुल चुके हैं यशु नाम से पिता। ये आपको फील कर पाए, आपके स्वर्गीय दूतों को देख पाए, बड़े बड़े दर्शन देख पाए पिता। इनके मन की आंखें खुल चुकी है यीशु नाम से, इनके मन की आंखें खुल चुकी है यीशु नाम से, इनके मन की आंखें खुल चुकी है यीशु नाम से, इनके मन की आंखें खुल चुकी है यीशु नाम से, इनके मन की आंखें खुल चुकी है पिता। पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो, हम धन्यवाद करते पिता आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर। इनके परिवारों को बदल चुके पिता, इनके परिवार आत्मिक आनंद से भर चुके पिता, आत्मिक प्रेम से भर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर संसार की अभिलाषाएं इनकी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। आपका मन इनके अंदर बढ़ चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। पिता आपके कलाम में लिखा है आप मनुष्य नहीं हो कि झूठ बोलो, चाहे अपना वचन देकर मुकर जाओ पिता। यस पिता आपके मुख से निकला हुआ है कि वचन सच्चा है पिता,
आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दिया है। आपके वचन में पावर है, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्गों के लिए उजाला है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपके आत्मा की अगुवाही खुदावन इन लोगों की जिंदगियों में बढ़ चुके पिता। यस पिता, ये आपके वचनों के भूखे प्यासे बन चुके पिता, यीशु नाम से पिता। जो भविष्यवाणी खुदावन आपके दास के द्वारा हुई है खुदावन इन लोगों के लिए पिता, कि जितने भी पढ़े लिखे लोग है, अनपढ़ लोग है पिता, वो आपकी सामर्थ्य से भरे रहेंगे, आपके वचनों से भरे रहेंगे पिता। मैं अंगीकार करती हूँ खुदावन, ये भविष्यवाणी इनकी जिंदगियों में पूरी हो चुकी है, इनकी जिंदगियों में पूरी हो चुकी है, इनकी जिंदगियों में पूरी हो चुकी है, इनके परिवार आत्मा में बढ़ चुके, वचनों के साथ बढ़ चुके, इनके परिवार बढ़ चुके। यस पिता, इनके मन में 24 घंटे आपके वचन कार्य कर रहे हैं, आपके वचन कार्य कर रहे हैं, आपकी पवित्र बातें कार्य कर रही है पिता। आप इन्हें बदल चुके हो, 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 आप इन्हें बदल चुके हो पिता। आपकी सामर्थ से, आपकी पावर से पिता ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। हालेलुया। लगाइए लगाइए कलीसिया, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करने वाला है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से हम लोग चंगे हुए हैं, उसी रीति से आज परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई लेने जा रहा है। आज आप चंगे होने जा रहे हो, आज आप चंगे होने जा रहे हो। अपने मुंह से अंगीकार करें, सभी बोले अपने मुंह से कि मैं यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। सब बोले, जितने भी मार है वो बोले मैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ। आज मैं चंगा हूँ, मुझे यीशु ने चंगा कर दिया। बोला मुझे यीशु ने चंगा कर दिया, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूँ। कलीसिया, जो आप बोलोगे, जो आप अंगीकार करोगे, परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर का हर एक वादा सच्चा है, जो आप मांगोगे मिलेगा। अब वचन में लिखा जो मांगोगे मिलेगा, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, बैठे हो, अपने मुंह को खोलो, अपने मन को लगाओ, बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर, आज मैं मांगता हूँ अपनी चंगाई को, आज मैं मांगता हूँ अपनी आशीष को, आज मैं मांगता हूँ अपनी चंगाई को। परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो रहा है, परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो रहा है, मैं चंगा हो रहा हूँ। बोलो सभी, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगा हो रहा हूँ, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से चंगा हो रहा हूँ। हर बीमारी, हर हालात जो मेरे जीवन को तंग करता है, हर दुष्ट आत्मा जो मेरे जीवन को तंग करती है, वो उसका लास्ट डे है आज, उसका लास्ट डे है आज। इस प्रार्थना की पावर, इस प्रेयर पिलर की पावर आज हर एक रुकावट को यीशु के नाम से तोड़ दी है, यीशु के नाम से तोड़ दी है। आप सब लोग यीशु के नाम से चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। कलीसिया, परमेश्वर का वचन कहता है धरती काश टल जाएगा, लेकिन उसका एक भी वचन नहीं टलेगा। उसके वचनों की ओर ध्यान लगाए, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने समुद्र के दो भाग कर दिए, वो परमेश्वर है जिसने सूरज को रोक दिया, वो परमेश्वर बड़ा है। हमारा हालात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलो, सब अंगीकार करो, ये हालात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान सोच रहा है मैं बर्डन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, मेरा हालात बड़ा है, मेरा दुख बड़ा है, बोले इसी वक्त अंगीकार करे कि तू छोटा है, मेरा यीशु बड़ा है, मेरा जीवित परमेश्वर बड़ा है। सब अंगीकार करो, मेरा जिंदा परमेश्वर बड़ा है। उसके नाम से, उसके कोड़े खाने से, उसके पवित्र नाम से मेरी हर आशीष मुझे यीशु के नाम में मिली है, मेरी हर आशीष यीशु के नाम में मिली है। बोलो, अगर किसी इंसान के जीवन में कर्जा है तो बोलो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनाया है। मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। अगर कोई इंसान कहता है मैं चिंता में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो अंगीकार करें कि यीशु ने कोड़े खाए हैं, उसने ताज पहना है, कोड़ों का ताज पहना है, कांटों का। उसके ताज पहनने से मेरी हर डिप्रेशन यीशु के नाम से आउट है, मेरी हर डिप्रेशन यीशु के नाम से आउट है। जो भी कलीसिया इस प्रार्थना पिलर में जुड़ी है, वो इस बात को विश्वास करे कि इस प्रार्थना की पावर, खुदा के दास के ऊपर जो ग्रेस है, वो इस उनके जीवन में आ रही है, अभी आ रही है, इसी वक्त आ रही है, क्योंकि परमेश्वर
हमें अपनी ग्रेस के द्वारा चुना है, परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा चुना है, उसके अनुग्रह की सामर्थ बड़ी है। बोलो, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ। बोलो, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ, हर बीमारी से, हर हालात से, हर क्लेश से, हर दुख से, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ। बोलो, यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ, कोई हालात मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। बोलो, अंगीकार करो कलीसिया, कोई हालात मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। बोलो, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, तू कुछ भी नहीं। हालात को बोलो, तू कुछ भी नहीं, मेरा यीशु बड़ा है। अगर कोई बीमार है जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, वो बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। अगर कोई इंसान दुखी है, वो बोले परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मौजूद है। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में चंगाई, आशीष, हर चीज को उड़ेल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को चेंज कर रहा है। अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को और सुने, उस प्रार्थना को फॉरवर्ड करें, क्योंकि परमेश्वर सुनने वालों के जीवन को चेंज करने वाला है, चेंज करने वाला है। आज आप सेम नहीं रहोगे, आप यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज आप सेम नहीं रहोगे। कलीसिया, आपके जीवन में बड़ी सामर्थ परमेश्वर प्रकट कर रहा है। बोलो कलीसिया, अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाओ, परमेश्वर के वादों को याद करो, परमेश्वर के वादों को याद करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ना तुम्हें कभी छोड़ेगा, ना तुम्हें कभी त्यागेगा। तुम अपने मन को लगा, क्योंकि आज परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मन को चेंज करने वाला है। आज परमेश्वर का आत्मा हर चीज चेंज करने वाला है। अगर तुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो दिख रहा है मुझे बड़ा है, कुछ दिख रहा है मेरे जीवन में जो सही नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इस प्रार्थना के द्वारा, इस प्रेम पिल्ले की प्रार्थना की ग्रेस के द्वारा, आज जो तेरे जीवन में कुछ बड़ा दिक्कत तुझे लग रही है, वह सब दिक्कत यीशु के नाम में जा रही है, यीशु के नाम में जा रही है, यीशु के नाम में जा रही है। वह पवित्र पिता, वह जीवित परमेश्वर, वादों का पक्का परमेश्वर है, वादों का पक्का परमेश्वर है। वह इसी वक्त तुम्हारे जीवन को चेंज कर रहा है, तुम्हारे जीवन को चेंज कर रहा है। कलीसिया, लगाओ, लगाओ अपने मन को, लगाओ अपने मन को, लगाओ उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, और रूह से करो, और दिल से करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है। अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, अगर कोई कहता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो उसको परमेश्वर का वचन आ रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे मैंने अय्यूब की सुनी, जैसे मैंने दाऊद की प्रार्थना सुनी, जैसे मैंने मूसा की प्रार्थना सुनी, उसी दिन से मैं तेरी प्रार्थना सुन रहा हूँ, और तेरी बातें सुन रहा हूँ, और तुझे सुनकर तुझे चंगा कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का होली स्पिरिट कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन को मेरी ओर लगा, अपनी आस को मेरी ओर लगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की ओर मन लगाने वाले, आस लगाने वाले आज तक और कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, कलीसिया, आप लोग कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जिस जगह में जाओगे, जिस समय जाओगे, आप जयवंत होंगे, आप जयवंत होंगे। हम जयवंत की संतान है, कलीसिया, अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, मैं जयवंत की संतान हूँ, मैं उस खुदा की संतान हूँ जो जीवित परमेश्वर है। मेरे सारे काम जीवित है, मेरे सारे काम जीवित है। बोला, मेरे सभी काम जीवित है। परमेश्वर का आत्मा, आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, कलीसिया, महसूस करे, महसूस करे उस परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, क्योंकि परमेश्वर आपको टच कर रहा है इसी वक्त, कलीसिया, परमेश्वर आपको टच कर रहा है, कलीसिया, महसूस करो, अपनी आंखों को लगाओ, अपने मन को लगाओ, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर अभी इसी वक्त आपके जीवन को टच कर रहा है, आपके हालातों को बदल रहा है। परमेश्वर आपके जीवन
मन को टच कर रहा है, आपके मन को टच कर रहा है, आपके हालात बदल रहे हैं कलीसिया। कलीसिया जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन में लिखा मत डर मत घबरा क्योंकि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। कलीसिया उस रीति से परमेश्वर आपको संभाल रहा है। अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाओ और अपने मन को लगाओ कलीसिया। जब संभव 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 सखा समम सल सबव सी सबव समम जबव सिख र सब समबल सी शबव सबव सल खला शबव ल समम समबल शल खला शबव सिखला। कलीसिया निश्चय निश्चय आपके जीवन को परमेश्वर टच कर रहा है। कलीसिया कलीसिया आपके मन को परमेश्वर टच कर रहा है। अभी लगाओ, अपने मन को लगाओ, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। अपने मन को लगाओ पर क्लिसिया, निश्चय निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्लिसिया आपके जीवन में कार्य कर रहा है। क्लिसिया परमेश्वर का वचन कहता है तुझे किसी चीज की घटी है मुझसे मांग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज अपने मन को खोल दो परमेश्वर के आगे, अपने मन को खोल दो परमेश्वर के आगे, अपने मन की एक एक बात खोल दो परमेश्वर के आगे क्योंकि परमेश्वर आज आपकी सुन रहा है। इस प्रे पिल्ले के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आ रही है। कलीसिया परमेश्वर की ग्रेस आ रही है आपके ऊपर। निश्चय निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर किसी का पति यहाँ पर प्रार्थना नहीं सुनता, अगर वचन नहीं पूरा नहीं करता, अगर संगति में आने से मना करता है, तो कलीसिया सभी जो अभी जिनके जीवन में ऐसी बातें हैं वो प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर आज इसी वक्त ये सब चीजें सभी रुकावटें यीशु के नाम से खत्म कर रहे हैं। कलीसिया खत्म कर रहे हैं। कलीसिया खत्म कर रहे हैं। कलीसिया क्योंकि परमेश्वर मन बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मन बदलने वाला परमेश्वर है। याद करें उन मेंबर्स को जो मेंबर्स आपको संगति से आने के लिए रोकते हैं, जो विरोध करते हैं, जो आपको संगति से आने के लिए गाली गलौज करते हैं, कुछ भी करते हैं, याद करो, याद करो परमेश्वर की सामर्थ को क्योंकि परमेश्वर अभी इसी वक्त उन सबके मन को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है। आपके जितने भी रिश्तेदार जो कोई भी बीमार मेंबर है उसको अपने प्रार्थना में रखो क्योंकि कलीसिया निश्चय निश्चय परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। सब से लगाओ कलीसिया और मन को लगाओ और अपने मन को लगाओ, निश्चय परमेश्वर कर रहा है। धन्यवाद हालेलुया। समा बस सिखल शबा बस सिखल शमा बस सिखल रे बाबा बस समा बाले शखल शमा बस सिखल शमा मैं निकाल लखल शमा मले बाबा बस सिखल शखल समा बस समा बाले। कलीसिया आज परमेश्वर का आत्मा सच में आपके जीवन को इस आज सेम नहीं रहने देगा, आज सेम नहीं रहने देगा, आज सेम नहीं रहने देगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को सूरज की तरह चमकाएगा, सूरज की रीति चमकाएगा, सूरज की रीति चमकाएगा। निश्चय निश्चय परमेश्वर आज आपको ज्योति के समान चमकाएगा, ज्योति के समान चमकाएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है, हम उसके संतान हैं, हम भी ज्योति हैं, हम भी ज्योति हैं, हम भी चमकेंगे यीशु के नाम से, हम भी चमकेंगे यीशु के नाम से, हम भी चमकेंगे यीशु के नाम से। हर चीज में चमकेंगे परमेश्वर, हमें हर चीज में चमकाएगा, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में, हमारे फाइनेंस में, हमारे पैसों में, हर चीज में हमें चमकाएगा परमेश्वर। दूसरों के लिए हमें नमूना बनाएगा, दूसरों के लिए हमें नमूना बनाएगा। संसार के लोग देखकर बोलेंगे कि ये यीशु के लोग हैं, ये कितने अमीर हैं, ये कितने पवित्र हैं, ये कितने अच्छे हैं। निश्चय परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहा है, ऐसा ही करने जा रहा है। यस परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर दो या तीन एक जन सब जन मन लगाकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं उनका जीवन चेंज होता है। सभी इसी वक्त आप सबका जीवन चेंज हो रहा है, आप सबका जीवन चेंज हो रहा है, आप सबका जीवन चेंज हो रहा है। परमेश्वर आपको चमका रहा है, परमेश्वर आपको चमका रहा है, परमेश्वर आपको चमका रहा है, परमेश्वर आपको चमका रहा है। हालेलुया। यस क्लीसिया यस यस है। आप में आ जाइए दिलेरी में और भी अपना मन लगाइए
क्योंकि वो जीवित परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है, पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है। जितने लोग अपना मन तैयार कर बैठे हुए हैं, वो सामर्थ को देखेंगे, वो बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है जितने भी उसके वादे, जितनी भी उसकी प्रतिज्ञाएं वो सच्ची है। उस परमेश्वर ने आपसे कहा है, मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों वाले देशों में लेकर जाऊंगा, मतलब बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी उन्नति कलीसिया। इस 7 वीक में आपकी जिंदगियों में बड़ी उन्नति आने जा रही है कलीसिया। सभी जन तैयार हो जाइए बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। लगाइए अपना मन, क्योंकि वो पाक यहोवा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बीच में शामिल है। वो परमेश्वर है, वो आपकी आवाज को सुन पा रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने जा रहा है कलीसिया। कहीं उस पिता से कि पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है आपने मुझे पूछने सर ठहराया है पिता। यस पिता परमेश्वर, जो आपका मुख ताकते पिता, वो कभी लज्जित नहीं होते पिता। जो आपके और ध्यान देते पिता, वो ऊंचे किए जाते परमेश्वर। कल आपका आत्मा में सिखा रहा था पिता कि आपका वचन हमारे लिए इंश्योरेंस है, हमारे लिए पॉलिसी है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है पिता। आपके वचन के द्वारा मेरी प्रोटेक्शन होती है, आपका वचन मेरे लिए ढाल है, मेरा हर साइड से बचाव करता है, मेरी सहायता करता है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपका वचन मेरे लिए टॉप है, मुक्ति का चिन्ह है पिता, मेरे पाँव के लिए दीपक है पिता। यीशु नाम से पिता, मैं आपकी इच्छा में बढ़ चुका पिता, आपके प्रेम में बढ़ चुका पिता, यीशु नाम से पिता। यस पिता, संसार की अभिलाषाएं मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हो। यस वो परमेश्वर इस जगह पर है कलीसिया, उसकी कलाम में लिखा है जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर इस जगह पर है। वो है इस जगह पर अपने लोगों को छूने के लिए, वो आपके घर में आपके परिवारों के साथ है, उसके दूत साथ है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है वो अपने चुने हुओं के लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है। उसके दूत आपके घर में आपके परिवार की प्रोटेक्शन कर रहे कलीसिया। उसके कलाम में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को कमांड करेंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो यीशु नाम से यार भाषा करेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर आपके परिवार में से कोई बीमार है तो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, आप उसकी सहायता से कमांड कीजिए बीमारी को, रोग को। अगर आप यहाँ पर हैं, आपकी बॉडी पार्ट में किसी भी जगह पर रोग या बीमारी है, तो हाथ रखिए उस पार्ट के ऊपर और अंगीकार कीजिए जो यीशु नाम से अधिकार मिला है आपको। पिता ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है, शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दे दिया है। यीशु नाम से सामर्थ्य रिलीज करो और शैतान को काट डालो, निकालो बाहर। सभी जन अंगीकार करो, कमांड करो, कहो परमेश्वर यीशु नाम की सामर्थ को हम रिलीज करते पिता। यीशु नाम से, यीशु नाम से इस प्रॉब्लम को मैं उखाड़ती हूँ, मैं कमांड करती हूँ, चल आउट 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 यीशु नाम से, पार यीशु नाम से, पार यीशु नाम से, पार यीशु नाम से। सभी जन कमांड कीजिए जो आपके पास इतना बड़ा अधिकार है, जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। अब तुम नमल हो ही नहीं, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम शाही लोग हो कलीसिया। परमेश्वर हर समय आपको अपनी दृष्टि में निर्दोष और पवित्र पाते हैं। कहिए पिता से, पिता मेरा मन आप में लीन हो चुका है, आप में लीन हो चुका है पिता, पैसा कर चुके हो, मैं आपकी सामर्थ से भर चुका, मैं आपकी पावर से भर चुका। यस पवित्र आत्मा जी, जो आपके अंदर सामर्थ है वो मेरे अंदर आ चुकी है, मेरी सोचों में कार्य कर रही है, मेरे मन में कार्य कर रही है, मेरे परिवार में कार्य कर रही है। पिता मैं और मेरा परिवार एक मन होकर पिता आप में बढ़ चुके, आप में बढ़ चुके। वो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके बीच में उतर चुका है कलीसिया। महसूस कीजिए उसको और धन्यवाद कीजिए। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, आज मैं सेम नहीं रहूंगा पिता, आपकी हजूरी मुझे बदल डालेगी पिता। आज मेरा मन
हो जाएगा, मेरी सोचे पवित्र हो जाएगी पिता, आपकी प्रार्थना मुझे बदल देगी पिता, जो आपके दास के जीवन में सामर्थ काम करती है पिता, उसी सामर्थ से मेरा जीवन बदल चुका है, मेरा परिवार बदल चुका है पिता, यूसुफ की तरह मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, पवित्रताई मेरे जीवन का बड़ा हथियार बन चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आप मुझे सुसमाचार के जूते पहना चुके पिता, ताकि मैं मेल मिलाप की सेवा में बढ़ पाऊं पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता, वफादारी खुदावन, वफादारी पिता, जो अलीशा के अंदर थी पिता, जिसके द्वारा पिता उसने आपको प्रसन्न किया पिता, और वो आत्मा में बढ़ता गया, उसने बड़े काम किए खुदावन, वो वफादारी खुदावन मेरे जीवन में बढ़ चुके है, मेरे जीवन में बढ़ चुके है, मेरे जीवन में बढ़ चुके है, सभी जन वफादारी मांगिए, अगर आप एक बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो, तो आप वफादारी मांगिए, कहिए खुदावन से कि खुदावन सबसे पहले मैं आपके साथ वफादार बन चुका, और पिता अपने माता पिता के साथ, पिता अपने अगुए के साथ वफादार बन चुका, अगर आप एक वाइफ हो तो आप वफादारी मांगो, अगर आप अपने हस्बैंड से झूठ बोलते या कई बातें छुपाते, तो आज आप कहो पिता से, पिता तेरी वफादारी पिता जो तुम्हें भाती है पिता, भले मनुष्य आपको प्रसन्न करते पिता, जैसे यूसुफ भला था पिता और उसने पिता आपको प्रसन्न किया पिता, जैसे अलीशा पिता पवित्र था पिता, यस पिता वो ईमानदार था पिता और उसने आपको प्रसन्न किया पिता, जैसे सैमुअल यस पिता वफादार था पिता, उसने अपने अगुए को और आपको प्रसन्न किया पिता, यीशु नाम से पिता, उसी प्रकार खुदावल कभी भी खुदावन किसी शल कपट की बात मेरी जुबान से ना आए पिता, मैं वफादार बन चुका, मैं वफादार बन चुका, मैं वफादार बन चुका, मैं वफादार बन चुका, हर प्रकार का झूठ शल कपट मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है। अगर आप एक हस्बैंड हो, आपके जीवन में ऐसी बातें, तो अपना मन फिराइए, आज ही अपना मन फिराइए, आज ही कहिए पिता से रखे इन सभी बातों को। अगर आप एक वाइफ हो, आपकी जिंदगी में ऐसी बातें, तो आज ही अपना मन फिराइए, कहिए पिता से, पिता आप मुझे छू चुके हो पिता, आपकी सामर्थ मेरे मन को बदल चुके है पिता, ये छल कपट की बातें मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है पिता, यस पिता परमेश्वर खुदावन में 24 घंटे पिता आप ही के नाम का गुणगान करूं पिता, 24 घंटे मेरे मन में आपके वचन चले पिता, आपकी भली बातें चले पिता, यस खुदावन आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मेरा मन फिरा चुके हो, आप मेरा मन फिरा चुके हो, अपने मन फिराने के लिए अंगीकार करिए, कहिए पिता से, पिता आपने मेरा मन फिरा दिया पिता, आपकी सामर्थ मेरे मन को बदल चुके पिता, आपकी पावर मेरे मन में कार्य कर रही है पिता, मैं वफादार बन चुका पिता, मैं पवित्र बन चुका पिता, आपकी सामर्थ 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 पिता मेरी सोचों में कार्य कर रही है पिता, मुझे बदल चुके है, मुझे चेंज कर चुके है, मुझे ईमानदारी में बढ़ा चुके है, मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके है पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर, कभी भी मैं खुदावन किसी के साथ शल कपट ना करूं खुदावन, बुराई के बदले बुराई ना करूं पिता, वरन भलाई करूं पिता, मैं भलाई से बुराई को जीतने वाला बन चुका हूं पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि आप भले परमेश्वर हो, आपका मन आपकी सोचे मेरे अंदर आ चुकी है, 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 खुदावन ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, यह स्वर्ग के राज्य में वही लोग प्रवेश करेंगे जिनके मन शुद्ध है, जिन्होंने पाप से अपने मन फिराए, जिन्होंने बुराई से अपने मन फिराए, जिन्होंने व्यभिचार से अपने मन फिराए, हर उस बुरी बात से अपना मन फिराया, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, जो आपको लगातार डाउन करती है, आपके विश्वास को, आपके हयात को डाउन करती है, तो आज पश्चाताप कर लीजिए, वो परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी आंखें आपकी और है, लगातार वो आपको देख रहा है, और
और वो आपको मौका दे रहा है क्लीसिया, आज ही पश्चाताप कीजिए, रखिए इन सभी बातों को पिता के सामने और कहिए पिता से कि पिता कोई इंसान पिता अपनी गलतियों को नहीं जान सकता पिता, लेकिन पिता मेरे मन की जांच कर चुके पिता, जाने अनजाने में खुदावंद यस पिता जो मैं आगे पीछे होता पिता आप मुझे माफ कर चुके पिता, आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, हे मेरे धर्मी परमेश्वर आपने मेरे पापों को ढापा, अपराधों को क्षमा किया, मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे गले से लगाया पिता, यस पिता परमेश्वर आप मेरे मन को धो चुके हो यीशु के लहू के साथ, यस पिता परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे चुके हो, मुझे शुद्ध मन दे चुके, अब भी अपने मन को फिरा कर देखे इक्लीसिया, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है अब भी सामर्थ काम करेगी, अब भी पावर आपके जीवन को बदल डालेगी इक्लीसिया, अभी अपने मन को फिराइए, कहिए पिता से पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है, यस मेरे मन में कार्य कर रहा है पिता, इस 7 मीटिंग्स में भी खुदावंद आपका आत्मा मुझे आत्मा में बलवंत बना देगा पिता, मुझे आत्मा में स्थिर कर देगा पिता, मुझे विश्वास में तेज कर देगा पिता, आपकी सामर्थ 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 मेरे परिवार में बड़े रिजल्ट लेकर आएगी, मेरे बिजनेस को ब्लेस करेगी, मेरे जीवन को ब्लेस करेगी, यस पिता पैसा कर चुके हो पिता, लोग मेरे जीवन को देखकर, मेरे परिवार को देखकर, मेरी आशीषों को देखकर पिता आपकी महिमा करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, यस पिता जैसे हमने कल टेस्टमनी सुनी पिता कि बी फ्रूटफुल और बी मल्टीप्लाई, यस जीसस मैं अंगीकार करता हूं, यस यस मैं Be fruitful और be multiply हो चुका हूँ, यस डबल आशीष डबल उन्नति डबल blessing मेरे जीवन में एंटर कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी है, कर चुकी है, ये आपकी सामर्थ से ये आपकी पावर से हो चुका है प्रभु, आपने कर दिया है, आप मेरे लिए रास्ते खोल चुके हो, आप मुझे ऊंचा कर चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे दृढ़ कर चुके हो, आप मुझे मजबूत बना चुके हो, यस जीसस आप ऐसा कर चुके हो, लगाइए क्लीस अपना मन और कहिए पिता से पिता परमेश्वर मैं डबल डबल गवाहियों से आ चुका हूँ पिता, आपकी सामर्थ पिता जो इस जगह पर कार्य कर रही है पिता, आपका आत्मा जो बल्स कर रहा है पिता आपके भवन में पिता, आपकी इतनी बड़ी ग्रेस कार्य कर रही है पिता, आपका सिंहासन लगा हुआ पिता, यस पिता ये ग्रेस पिता मेरे परिवार में बढ़ चुके पिता, मेरे घराने में बढ़ चुके पिता, आपके दूत पिता जो इस जगह पर कार्य कर रहे पिता, यस पिता परमेश्वर यस पिता आपकी सामर्थ मेरे परिवार में एंटर हो चुके पिता, मेरे परिवार में एंटर हो चुके पिता, ये ग्रेस पिता जो आपके दास के ऊपर काम करती है पिता, ये ग्रेस पिता मेरे परिवार को ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुकी है, नए नए मार्ग खोल चुकी है, नए नए मार्ग खोल चुकी है पिता, हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से, परमेश्वर की शांति आपको ब्लेस कर चुकी है, ब्लेस कर चुके हैं, खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है क्लीसिया, खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको शूर है, खुदा के दास जो अपने घर में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना की ग्रेस आपकी लाइफ में बढ़ रही है, आपकी लाइफ में बढ़ रही है, आप खुदावंद की शांति को फील करोगे, आप परमेश्वर की उन्नति को फील करोगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे, करिए धन्यवाद, कहिए पिता से पिता आपकी सामर्थ आपकी पावर खुदावंद 24 घंटे मेरी जिंदगी में कार्य करे पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता मैं ब्लेस हूँ, 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 यस जीसस आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आपकी सामर्थ पिता आपकी पावर पिता मेरी सोचों में कार्य कर रही है, मेरे मन को बदल चुके हैं, मेरे जीवन को बदल चुके हैं, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना के लिए जो आपने हमें मल्टीप्लाई कर दिया है, बड़ी आशीषें दे दी है यीशु नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन।